यूपी एल्टी ग्रेड टीचर एंड टीचर डिपिटी मैथमेटिक्स के लिए क्रम से एवं संचय परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वीडियो नंबर है हमारा 21। इस वीडियो में हमारे क्वेश्चन टाइप है एन वस्तुओं में से आर के संचय जिसमें से पी विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित हों, यानी कि एन में से हमको आर लेनी है, एन में से हमको संचय करना है सी आर का, ठीक है। एन वस्तुओं में से आर का संचय, पी विशेष वस्तु हैं, ये फॉर्मूला मानिएगा, पी विशेष वस्तु सदैव लेनी है, यानी कि पी को हमेशा लेना है, जैसे कि पी को मतलब ऑलवेज लेना ही लेना है, तो एन में से पी घटा देंगे, एन माइनस आर में से पी घटा देंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एन माइनस पी सी आर माइनस पी, एन माइनस पी सी आर माइनस पी, एन वस्तुओं में से आर का संचय पी विशेष वस्तु सदैव ली जाएँ या सदैव सम्मिलित की जाएँ, ठीक है। यानी विशेष वस्तु हैं उनको हमेशा चुनना है, तो इस पे जैसे एक फॉर्म है हमारा, इस पे जैसे एक क्वेश्चन टाइप बन सकता है, वॉलीबॉल में 12 खिलाड़ियों में से 9 की टीम बनानी है, 9 खिलाड़ियों की टीम बनानी है, कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, कप्तान को रखना आवश्यक है, यानी कि कप्तान जो हो जाएगा विशेष वस्तु हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, यानी कि टोटल थे कितने 12, एन इक्वल टू था 12, 9 की टीम बनानी, आर इक्वल टू 9, और पी जो 1 हो जाएगा वो होगा कप्तान, जो विशेष हो गया, इसको लेना अनिवार्य है, कप्तान को लेना अनिवार्य है, यानी कि चुनना हमको अब 11 में से 8 चुनने हैं, ठीक है ना। सीधी सी बात होगी, 11 में से कितने चुनने, 8, कप्तान तो एक लेना ही लेना है, तो टोटल 9 चुनने थे, मतलब 12% थे, 12 में से हमको 9 कलेक्ट करने थे, तो पी विशेष वस्तु होगी, यानी कि यहाँ पे n माइनस पी यानी कि 12 माइनस 1 11, 11 बचे, और r माइनस का p यानी कि 9 माइनस का 1 इक्वल टू 8 बचे। तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग एक को पहले से चुन लिया, कप्तान को लेना ही है, ठीक है, कप्तान को ले लिया गया, बाकी 8 चुने जाने हैं, वो चुने जाने हैं 11 में से, तो फॉर्म हो जाएगा हमारा 11C8, ठीक है, n माइनस पी की जगह 11 हो गया और इसकी जगह हो गया 8, तो 11C8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 11 माइनस 8, एन सी आर का फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब एक कंडीशन ऐसी होती है कि n वस्तुओं में से r की संचय करना, p विशेष वस्तु कभी भी सम्मिलित न हो, यानी कि p को ना चुना जाए, आपके उल्टा हो गया। अब इस वाली कंडीशन में p विशेष वस्तु जो था लेना ही था, अब दूसरा जो फॉर्म हो गया हमारा n वस्तुओं में से r का संचय करना, p विशेष वस्तु कभी न ली जाए, नहीं ली जाए, जैसे हो गया कोई खिलाड़ी है जिसके चोट लग गई उसको नहीं लेना है, ठीक है, पी विश एन वस्तुओं में से आर का संचय करना, पी विशेष वस्तु कभी ना लिया जाए, तो जो टोटल नंबर थे यानी कि पी को यहाँ से घटा देंगे एन माइनस पी, और जो आर चुनना है तो आर चुना ही जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा एन माइनस पी सी आर इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो एक है उसको हटा दो, बाकी जो बचे उनमें से आर चुन लो, ठीक है। तो इस पे हम एक फॉर्मूला मतलब इस पे एक क्वेश्चन इसमें से करा दे रहे हैं, जैसे कि एक खिलाड़ी को चोट लगने के कारण उसे नहीं रखना है, 12 खिलाड़ी हैं, 12 खिलाड़ी में से 9 को चुनना है, n बराबर 12, r बराबर 9 एंड p बराबर 1, यानी कि किसी खिलाड़ी को चोट लगने के कारण नहीं लेना है या नहीं रखना है, तो फॉर्मूला ये बनेगा n माइनस पी सी आर, यानी p इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो टर्म बनेगा n माइनस पी यानी कि हो जाएगा 12 माइनस 1 इक्वल टू 11 एंड r तो 9 है, 11 में से 9 चुनना है तो होगा 11C9 11C, यहाँ पे 11 और ये 9, 11C9 हो जाएगा, 11C9 को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो वैल्यूज आ जाएगा वो आ जाएगा, एन सी आर का फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो वैल्यूज आ जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ये कंडीशन थी एक खिलाड़ी को न चुनने वाली, ठीक है। हाँ,
अब इस पे कुछ टाइप के हम क्वेश्चन चालू कराते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा इस वाली फॉर्म पे डिपेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन से हमारा भिन्न भिन्न सात व्यंजनों में से चार स्वरों से तीन व्यंजनों और दो स्वर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न सात व्यंजन हैं, सात व्यंजनों और चार स्वर में से तीन व्यंजन, यहाँ से तीन व्यंजन और दो स्वर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, सात व्यंजनों और चार स्वरों से तीन व्यंजन और दो स्वर लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब बात आती है सात व्यंजनों में से तीन व्यंजन लेने के चुनने के प्रकार हो जाएगा 7C3 और चार स्वरों में से दो स्वर चुनने के प्रकार 4C2। अब कुल संचय की बात आए तो कुल संचय हो जाएगा हमारा 7C3 × 4C2। पांच अलग अलग हैं, तीन व्यंजन और दो स्वर हैं, तो उनको अलग अलग है ना, ये भिन्न भिन्न व्यंजनों भिन्न भिन्न से कितने बनाए जा सकते हैं। तो इसमें थे हमारे तीन व्यंजन थे, दो स्वर थे, उनसे पांच हुए, तीन व्यंजन और दो स्वर, परंतु पांच ये अलग अलग हैं। फैक्टोरियल पांच प्रकार से क्रम बदल सकते हैं, तो ये फैक्टोरियल फाइव टाइप से क्रम चेंज कर सकते हैं, यानी कि परम्यूटेशन कर सकते हैं। तो कुल शब्दों की संख्या, तो इस प्रकार बने कुल शब्दों की संख्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 × 7C3 × 4C2। फैक्टोरियल 5 टाइप से वो परम्यूटेशन वहाँ पे करेंगे, फैक्टोरियल 5 × 7C3 × 4C2। इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके जो वैल्यूस आ जाएगा वो इसका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारा